चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर केंद्र सरकार से राज्य के लिए ठोस लाभ सुनिश्चित करने में विफल रहने का आरोप लगाया। प्रशांत किशोर ने रविवार को कहा कि केंद्र में सत्ता बरकरार रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नीतीश कुमार पर निर्भर होने के बावजूद वो राज्य के लिए ठोस लाभ सुनिश्चित करने में विफल रहे। उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि बजाय इसके कि राज्य को औद्योगिक रूप से पुनर्स्थापित करने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते, केंद्रीय मंत्रिमंडल में केवल अपनी पार्टी को बेहतर हिस्सेदारी मिलने को लेकर चिंता करने और राज्य स्तर पर विरोधियों से बदला लेने के लिए सहयोगी दल भाजपा को इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं। आईपैक के संस्थापक रहे प्रशांत किशोर ने पटना में कहा कि लोग बिहार के लिए विशेष दर्जे की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ, नीतीश कुमार 20 चीनी मिलों को बहाल करने के लिए क्यों नहीं दबाव डालते जो वर्षों से बंद है। वे लगभग 20 वर्षों से सत्ता में हैं, जिसे गंवाए गए मौके के लिए याद किया जाएगा। प्रशांत किशोर ने करीब 2 साल पहले शुरू किए गए अपने जन सुराज अभियान को लेकर आयोजित एक समारोह के बाद ये बात कही। उनका जन सुराज अभियान इस साल 2 अक्टूबर को एक राजनीतिक पार्टी का स्वरूप लेने जा रही है। जदयू के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किशोर ने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव, जिसमें भाजपा बहुमत से दूर थी और अपने सहयोगियों को विशेष रूप से जदयू, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी पर निर्भर हो गई, लेकिन नीतीश कुमार इसका लाभ उठाने के बजाय प्रतिशोध की राजनीति करने में लीन है। किशोर को अनुशासनहीनता के आरोप में जदयू से निष्कासित कर दिया गया था। प्रशांत किशोर ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नाम लिए बिना उनकी ओर इशारा करते हुए कहा कि उन्होंने भाजपा में उन लोगों को ठीक करने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया जिनकी पगड़ी आंखों को भी खटकती है। पूर्व चुनावी रणनीतिकार ने कहा कि जन सुराज अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में किसी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन के लिए बिना चुनाव लड़ेगी। उन्होंने दावा किया, हम जीतेंगे। बिहार के लोग नीतीश, भाजपा और राजद द्वारा उन्हें मजबूर किए गए दुष्चक्र में तंग आ चुके हैं। इतिहास में पहली बार होगा कि इतने सारे लोग मिलकर किसी पार्टी की स्थापना करेंगे। उन्होंने उन सुझावों को भी खारिज कर दिया कि बिहार जैसे राज्य में ठोस जातिगत आधार की कमी एक बाधा हो सकती है। प्रशांत किशोर ने कहा कि राज्य विधानसभा के उपचुनाव में जन सुराज के समर्थन वाले कई उम्मीदवार जीते हैं।